खादी या खद्दर भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। खादी वस्त्रों की विशेषता है कि ये शरीर को गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था और अभी भी केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार खादी पर खास ध्यान दे रही है, लोगों को इसकी खरीद के लिए बढ़ावा दे रही है। इस बीच जब हम बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पहुंचे, वहां भी बिहार सरकार द्वारा खादी का बढ़ावा दिए जाने को लेकर स्टॉल लगाया गया है, जहां छूट के साथ आप खादी के कपड़े खरीद सकते हैं। देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी दुकान पर कोई आता है तो आप ग्राहक को कैसे खादी की ओर आकर्षित करेंगे, कैसे, क्या है स्पेशल? कपड़ा दिखाकर उसको समझाएंगे कि प्योर हाथ का बना हुआ है, शुद्धता शुद्ध चीज़ है, प्योर कॉटन है तो कॉटन है, रेशम है तो रेशम है, जैसे उलेन है तो प्योर उलेन है और कम्बल है तो ऊनी है। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जाड़ा के लिए ही अभी मुख्य रूप से है वस्त्र उपलब्ध। तो ठंड को देख करके आपके यहाँ जो सामग्री है वो हाँ कराया गया है, तो क्या होगा सर आपके यहाँ अभी फिलहाल? अभी मेरे यहाँ है चादर है, कम्बल है, बंडी है, जैकेट है, कुर्ता है, पैजामा है, शर्ट है, मैंने बहुत किस्म के कपड़ा है ना, कितना हम आपको नाम रखें। और फिलहाल कुछ जो है जो डेली यूज़ में अभी ठंड के मौसम में लोग पहन सके उसको लेकर के कुछ दिखा दीजिए। ठंड के मौसम में ये भी पहन सकते हैं, देखिए उधर शर्ट है, वहाँ चादर है, चादर जरा दो चार गुण निकाल दीजिए। ठंड का देखिए दो चार गो शॉल वॉल निकाल दीजिए। ये यहाँ पे क्या क्या है? ये सब रेशमी कपड़ा है जो कोकुन से, कोकुन होता है, कोकुन से कीड़ा निकाल के मैंने उसको उबाल के उससे शुद्ध कताई करवाते हैं और उसको बुनवाई करवाते हैं। इसको भी ले लीजिए। और ये शॉल है जाड़ा के लिए, लेडीज शॉल है और जेंट्स में भी चादर होगा मेरे पास। तो इससे लोग कुर्ता सिलवाते हैं? हाँ, कुर्ता शर्ट जो भी बनवावे। तो ये और फिर ये तो कुर्ता वगैरह हो गया, और भी कुछ खास बंडी वगैरह जो आजकल लोग वेस्ट कोट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब? हाँ, बंडी भी है, जैकेट भी है, देखिए ये सब बंडी है जो इस सालों भर चलेगा, सीजनेबल नहीं है, इस सालों भर चलेगा। और इसका कितने प्राइस, इसका दाम कितना तक आ जाएगा? दाम 2400 रुपया है इसका, 2400। हाँ, जिसमें 25% डिस्काउंट है और 12% GST लगता है। अच्छा, तो सब डिस्काउंट वगैरह करके कितने तक आ जाएगा? 16 रुपया पड़ जाता है, 2400 से 2016 रुपये। हाँ, तो GST कितना लग रहा है इस पे? इसमें 1000 तक 5% लगता है और 1000 से ऊपर 12%। अच्छा, तो ये आपने देखा कि खादी के कपड़े थे और इस पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है? GST सिर्फ रेडीमेड पर लगता है, टोटल वस्त्र पर नहीं है। टोटल जो रेडीमेड है, सिला उला है, उस पे सिलाई चल गया उसी पर GST है, और जो सिर्फ कपड़ा है उस पे GST नहीं है। जो कपड़ा है, चादर है, साल है या और कुछ है, कम्बल है, उस पर GST नहीं, जिसका रेडीमेड बन गया उस पर GST लगेगा। तो ये सब कपड़े का क्या रेट होगा? ये सब कपड़े का रेट करीब 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये, 2500 रुपये तक मीटर। क्वालिटी पर निर्भर करता है, इसमें कई क्वालिटी में है। तो इसमें बहुत सारा क्वालिटी, ये कौन सा है? ये आपको कटिया हो गया, ये तसर हो गया, ये तसर सिल्क। हाँ, ये मटका सिल्क हो गया, ये मटका सिल्क। हाँ, ये कटिया हो गया, ये कटिया बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये सब और ये सारा कटिया ही है। हाँ, ये कटिया है, ये पूरा थान है, ये कटिया है और इसी का ये बंडी है। अच्छा, इसी का ये कपड़ा बंडी बनता है। अच्छा, ये काफी आरामदायक होता है। हाँ, आरामदायक होता है और इसको सालों भर यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे बनता है? बिहार में ही? ये बिहार में ही बन कर जो है, गया में हमारा है हेड ब्रांच, वहीं पर हमारा ये सब बनता है। और सब तो मान लीजिए भिन्न भिन्न ब्रांच में बनता है, जैसे कम्बल है, ऊनी चादर है, साल है, वो हमारा करीब 50-60 वो सेंटर है, कहीं कम्बल बना तो कहीं ऊनी बना तो कहीं सूती बना,
आपको देखिए वो सब कपड़ा जो है ना, कपड़ा जहानाबाद में बनता है। कहाँ? जहानाबाद में। हाँ, सिगोड़ी नाम है इस जिसका। तो उसमें वो जो कपड़े, वो किस चीज का कपड़ा है? वो रुईया से बनता है, रुई से कॉटन का। हाँ, कॉटन, प्योर कॉटन हुआ वो सब। उधर जो है ना, जो भी है प्योर कॉटन है। वो काफी खूबसूरत गमछा दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, वो दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को, तो आप उसे प्लीज नीचे उतार कर दिखाइएगा। हाँ, वो टॉवल है। ये टॉवल है। तो ये किस चीज का बना हुआ है और कितना का प्राइस होगा? ये 220 का है। ये 220 का है। हाँ। ये खोल कर दिखाइए, काफी खूबसूरत ये दिख रहा है। मतलब किस देख रहे हैं इसका जो मैं अपने हाथ से इसको छू करके महसूस कर सकती हूँ, ये काफी मतलब देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही सॉफ्ट भी लग रहा है ये। तो आप देख सकते हैं, और ये केवल 200 रुपए का है। इस पे कोई 220 का डिस्काउंट भी है? इस पे 25% डिस्काउंट है। तो कितना हो? 165 पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं कि 220 रुपए का ये जो गमछा है वो डिस्काउंट करके आपको मात्र 165 रुपए में पड़ेगा, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और जैसा कि बिहार सरकार भी मतलब बल्कि केंद्र सरकार तक खादी को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, ऐसे में आप लोगों को खादी का कपड़ा ज़रूर पहनना चाहिए। हाँ, थोड़ा महंगा आता है। महंगा थोड़ा हाथ का बना हुआ है। हाँ, हाथ का बना होता है, बिल्कुल आरामदायक होता है, कोई मिलावट नहीं है। हाँ। तो ऐसे में जो खादी के शौकीन हैं वो यहाँ सोनपुर मेले में आकर के खादी की खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ दुकान का नाम बता दीजिएगा सर। दुकान का ग्राम नरमंडल खादी का बोर्ड हमारा लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जैसे ही आप मेले के परिसर में घुसेंगे आगे में ही आपको दिखेगा, और यहाँ पे बोर्ड पे नाम लिखा हुआ रहेगा। सर एक बार और मेंशन कर, ग्राम नरमंडल खादी ग्राम उद्योग समिति गया। बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मफलर भी है, ये भी काफी छूने में काफी सॉफ्ट लग रहा है, और यहाँ पे ये सब प्योर उलैन है। वो तो देख सकते हैं इसका जो कढ़ाई है, मीन्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। तो मतलब कि आप बिल्कुल यहाँ आके ठंड की भी ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ये जो ठंड का ही सारा वेस्ट कोट लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने इसका ख़ास करके इस दुकान की रिपोर्टिंग इसलिए ही करनी चाहिए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि खादी को बढ़ावा मिले, उन मज़दूरों को उनका हक मिले। तो इतनी मेहनत करके वो अपने खुद अपने हाथों से बुनते हैं ताकि लोग उसे पहने आराम पहनकर आराम महसूस करें। तो ऐसे में हम लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि हम लोग बढ़ चढ़ कर इसकी ख़रीदारी करें और खादी को बढ़ावा दें। और तो फिर आइए सोनपुर मेले में, आइए तो ज़रूर से ज़रूर खादी की शॉपिंग कीजिए। और ये रहा ये जो बोर्ड है, ग्राम निर्माण मंडल खादी ग्रामोद्योग समिति गया बिहार, तो यही ये बोर्ड है, यही वो स्टॉल है जहाँ पे आप आकर खादी की ख़रीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल जितना भी यहाँ पे मौजूद है कपड़ा वो आपको 25% यानी कि 25% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो ऐसे में आप अगर सोनपुर मेला आते हैं तो यहाँ आकर खादी की ख़रीदारी ज़रूर करें। और ये रहा हमारा सोनपुर मेला में ख़ास खादी के स्टॉल से रिपोर्टिंग, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।